हाय एवरीवन, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है मेरे चैनल होम एंड मचमोर में। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत लोग ये जानना चाहते हैं, मतलब मैं इन पर्सन ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्हें इस टॉपिक में इंटरेस्ट है, प्लस रिक्वेस्ट भी आई थी तो सोचा फाइनली बनाते हैं। तो आज के टॉपिक में, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि OTG, माइक्रोवेव एंड कन्वेक्शन, इन तीनों में डिफरेंस क्या है और कब किसे यूज करना चाहिए। और इस वीडियो में ये भी मैं कवर करूंगी कि आप कौन से अवन में किस टाइप के बर्तन यूज़ कर सकते हैं, एल्युमिनियम फॉइल, क्लिंग रैप, पेपर रैप्स कौन से अवन में जा सकती है, कौन से अवन में नहीं जा सकती। तो ओवरऑल इस वीडियो के बाद आप शायद, आपको ये डिसाइड करने में कि भाई मैं OTG लूँ, कन्वेक्शन लूँ या फिर माइक्रोवेव लूँ, इन तीनों में से एक चूज़ करने के डिसीजन लेने में शायद हेल्प मिलेगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट है टाइप्स ऑफ अवन, लेकिन OTG, कन्वेक्शन एंड माइक्रोवेव जो आज के ज़माने के अवन्स हैं, इनके बारे में बात करने से पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल अवन्स की। तो अवन्स बहुत सालों से रहे हैं, वुड फायर्ड अवन, देन हमारा सबका फेवरेट तंदूर अवन, ये भी अवन्स ही हैं, बस ये लकड़ी पर या फिर कोल पर चलते हैं और इनका फ्लेवर, इनका अरोमा अलग होता है। प्लस इन्हें घर पर सेटअप करना इतना आसान नहीं होता है, तो चीज़ें आसान करने के लिए धीरे धीरे इन्वेंशंस हुए एंड फाइनली हमें ऐसे अवन्स मिले जो बहुत छोटे होते हैं, इजी टू यूज़ होते हैं और हम अपने घरों में इन्हें रख भी सकते हैं। लेकिन जो घरों में हम अवन यूज़ करते हैं, इवन इफ़ दे आर इलेक्ट्रिक, ऐसे अवन्स रेस्टोरेंट्स में या फिर इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ नहीं होते हैं। वहाँ पर इलेक्ट्रिक अवन्स में ही बहुत बड़े बड़े यूनिट्स आते हैं, मतलब एक पूरा ह्यूमन भी उसमें जा सके, इतने बड़े बड़े वो अवन्स होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे OTG, कन्वेक्शन एंड माइक्रोवेव की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग बहुत कॉमनली या फिर हमारे घरों में आम तौर पर काउंटर टॉप अवन यूज़ होते हैं, मतलब हमारे जो किचन काउंटर पर वो आ सके, इस तरह के इतना बॉक्स होता है जिसे हम हमारे किचन काउंटर पर या फिर फर्नीचर में रखते हैं। बस फर्नीचर पर रखते वक्त इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उसके चारों तरफ से वेंटिलेशन यानी जो एग्जॉस्ट है वो जाने के लिए जगह हो। लेकिन इन सब के अलावा बिल्ट इन अवन्स भी आते हैं। तो मेरे पास पहले काउंटर टॉप अवन था, मैं भी आपको उसका भी एक एग्जाम्पल दिखाऊंगी आगे, लेकिन फिलहाल हमारे पास बिल्ट इन अवन्स है। जब हमने इस घर का काम करवाया तो हमने बिल्ट इन अवन्स लगवाए। तो कुछ लोगों को शायद बिल्ट इन अवन्स की जानकारी नहीं थी, तो मुझे मेरे होम टूर की वीडियो में क्वेश्चंस आए कि आपने इन्हें फर्नीचर में कैसे लगा दिया, क्या फर्नीचर गर्म नहीं होता। तो आपको एक बात बताती हूँ कि जो बिल्ट इन अवन्स होते हैं, इनका जो एग्जॉस्ट होता है वो फ्रंट में ही होता है। तो बिल्ट इन अवन्स बनाए ही इस तरीके से जाते हैं कि उसका एग्जॉस्ट, उसकी गर्मी साइड से नहीं जाती, वो फ्रंट से जाती है, क्योंकि साइज जो उसकी होती है वो पूरी फर्नीचर में फिट होती है। ट्रेडिशनल अवन्स जो कि कोल एंड वुड पर चलते थे, फिर आजकल जो हमारे इलेक्ट्रिक अवन्स हैं, इनके अलावा रेंजेस भी आती है, कुकिंग रेंजेस, जो कि जो हॉब होता है किचन में खाना बनाने वाला हमारा चूल्हा, उसके नीचे होती है। तो ये जो अवन्स होते हैं ये गैस पर चलते हैं, तो पूरी कुकिंग रेंज आती है। ऊपर इसके होता है चूल्हा यानी हमारा रेगुलर कुकिंग वाला हॉब, एंड नीचे उसी गैस को इस्तेमाल करके उससे हीट प्रोड्यूस करके नीचे अवन होता है। ये माइक्रोवेव या कन्वेक्शन नहीं होता, ये OTG ही होता है जो रेंजेस में आता है। इंडिया में, अपनी कंट्री में, यहाँ पर इस टाइप के रेंजेस इतने पॉपुलर नहीं हैं। इंडिया में मोस्टली काउंटर टॉप अवन्स ही हमें देखने मिलते हैं या फिर कॉमनली अवेलेबल है। वॉट इज OTG? अब मैं बात करूंगी कि OTG क्या होता है, क्योंकि आपने ये टर्म बहुत कॉमनली सुनी होगी। OTG का फुल फॉर्म होता है अवन, टोस्टर, ग्रिलर। तो OTG अगर आप ज़्यादा बेकिंग करते हैं, मतलब ब्रेड्स बेकिंग, कुकीज़, केक्स, इन सब के लिए OTG बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है। माइक्रोवेव क्यों नहीं, मैं आगे आपको बताऊँगी। OTG का काम करने का तरीका माइक्रोवेव के काम करने के तरीके से अलग होता है। OTG में ऊपर और नीचे रॉड्स होती हैं। अगर आपके घर में OTG है या फिर कन्वेक्शन है, वाई कन्वेक्शन ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी, फिलहाल OTG के बारे में बात करते हैं। तो OTG में अगर आप ज़रा झांक के देखेंगे अंदर, तो आपको ऊपर ऐसे कॉइल्स नजर आएंगी, ऊपर भी और नीचे भी। तो OTG का जो मैकेनिज्म है, या कह लो कि जो उसका काम करने का तरीका है, वो इस तरह से है कि जब हम OTG को ऑन करते हैं तो ये रॉड्स ऑन होती है,
और एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि एक क्लिक की आवाज आती है या फिर लाइट आपके ओटीजी में होगी जो शुरू होती है और बंद होती है, क्योंकि जब आप टेम्परेचर सिलेक्ट करते हैं ओटीजी में उस वक्त उस टेम्परेचर को अटेन करने के बाद, उस टेम्परेचर तक पहुंच जाने के बाद ऑटोमेटिकली कॉइल जो है ऑफ हो जाती है। तो ये टेम्परेचर मेंटेन करने का ओटीजी का ही तरीका होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ओटीजी खराब है या उसकी लाइट खराब है। ओटीजी में इन रॉड्स के अलावा फैन भी होता है, लेकिन हाँ हर मॉडल में फैन नहीं होता है। फैन क्यों होता है मैं आपको बताती हूँ, पर उससे पहले ओटीजी एक फैन के बिना हो सकता है पर रॉड्स के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि रॉड्स ही है जो उस पूरे चेम्बर में गर्मी प्रोवाइड करती है और उससे खाना पकता है। ओटीजी को यूज़ करने से पहले प्रीहीट करना पड़ता है। प्रीहीट करना मतलब उसे प्रिपेयर करना, उसमें जो खाना आएगा उसे पकाने के लिए। तो प्रीहीटिंग कभी मिस मत कीजिए। ये मत सोचिए कि भाई मैं अपने खाली ओवन को क्यों 5-10 मिनट तक चलाऊं, ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, क्या आप कभी ठंडे तवे पर रोटी डालकर उसके बाद गैस ऑन करते हैं? नहीं ना, आपको पता ही है अगर आप ऐसा करेंगे तो रोटी का क्या हाल होगा और वो कैसी बनेगी। सिमिलर फंडा है यहाँ पर कि ओटीजी को यूज़ करने से पहले आपने इसे प्रीहीट करना है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो जो आप इसमें बेक करने वाले हैं वो उसका जो आउटकम होगा, उसका जो रिजल्ट होगा वो वैसा नहीं होगा जैसा उसे होना चाहिए। ओटीजी में टेम्परेचर का नॉब, टाइम का नॉब, इन दो नॉब्स के अलावा एक और नॉब होता है जिससे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो तीन मोड्स जिसमें ऑप्शंस होते हैं कि आप सिर्फ ऊपर का रॉड ऑन रखें। ऊपर का रॉड ऑन रखें का मतलब है सिर्फ वही रॉड गर्म होगा, हीट होगा, नीचे वाला नहीं होगा। या फिर आप सिर्फ नीचे वाले को ऑन रख सकते हैं या फिर आप दोनों को ऑन रख सकते हैं। तो मोस्टली केक्स की रेसिपीज़ में मैं दोनों को ऑन रखती हूँ, मैं मोस्टली दोनों को ही ऑन रखती हूँ। बट कुछ रेसिपीज़ में, कुछ केसेस में एक ही रॉड को ऑन रखना होता है, मे बी ऊपर वाली नीचे वाली, वो रेसिपी के हिसाब से आप फॉलो कर सकते हैं। फ़ैन का यूज़ क्या होता है? फ़ैन जब ऑन करते हैं तो जो हीट इन रॉड से जनरेट होती है, जो ओवन गर्म होता है इन दोनों रॉड्स के हीट से, इनकी गर्मी से, उस गर्मी को इवनली सारे खाने की तरफ पहुंचाने का काम करता है फ़ैन। फ़ैन ऑन ऑफ करने के लिए भी अलग से ऑप्शन होता है, मतलब आप मल्टीपल कॉम्बिनेशंस यहाँ पर हो सकते हैं, एक रॉड ऑन, नीचे वाली रॉड ऑन, दोनों रॉड ऑन, रॉड विथ फ़ैन। तो आपकी रेसिपी के हिसाब से आप इन्हें ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे आपको बेकिंग का अंदाज़ा आएगा, आपको खुद ही एक अंदाज़ा आने लगेगा कि आपको फ़ैन ऑन रखना है या नहीं। बहुत बेसिक है, जब हम घर पर रोटी बनाते हैं, फुल्का बनाते हैं, तो टाइम के साथ कुछ चीज़ों का अंदाज़ा आ जाता है कि कौन सी फ्लेम पे रोटी फूलेगी, किस तरीके से बेलना है। यहाँ पर भी वैसा ही है। रॉड्स एंड फैंस के अलावा रोटिसरी का भी ऑप्शन आपको नॉब पर मिलेगा, लेकिन रोटिसरी जो है एक रॉड होती है बीच में, ये हर साइज़ के ओवन में नहीं आती है। एक मिनिमम साइज़ ऑफ ओवन होता है, उसके बाद ही आपको रोटिसरी मिलेगा। आई थिंक 28 के अराउंड आपको या फिर उसके बाद आपको रोटिसरी का ऑप्शन मिलना शुरू होता है। जो रोटिसरी की एक रॉड होती है उसे लगाने के लिए आपको राइट एंड लेफ्ट में नॉच मिलेगा। तो नॉर्मली जो ओवन्स होते हैं उसमें ऐसा ही होता है। मेरे पास पहले मॉर्फी रिचर्ड्स का ओवन था, उसमें ऐसा ही था, लेकिन अभी जो मैंने बिल्ट इन लगाया है उसमें रॉड यू ना लग के डायगोनली लगती है। तो आई थिंक ओवन के मॉडल पर डिपेंड करता है, बट मोस्टली हॉरिजॉन्टल होता है। रोटिसरी रॉड मोस्टली नॉन वेज के लिए यूज़ की जाती है, आप इसे वेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप पूरा का पूरा चिकन या फिर चिकन के पीसेस या फिर आपके टिक्का के पीसेस रॉड पर लगा सकते हैं। एंड जब आप रोटिसरी के उसके नॉचेस में आप उसे प्लेस करेंगे रॉड को, एंड नॉब से रोटिसरी का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, तो जो रॉड है वो घूमने लगती है। और वो रॉड कंटिन्यूसली नहीं घूमती, ऐसे स्लोली 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 घूमती है। आपने रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में देखा होगा। तो इससे क्या होता है, जो भी आपका टिक्का है, कबाब है, चिकन है, ये धीरे धीरे जब रोटेट होता है तो बहुत इवनली अच्छे से कुक होता है और बहुत अच्छी उस पर एक लेयर फॉर्म होती है, ब्राउनिंग अच्छी होती है। देन इनके अलावा एक और ऑप्शन होता है ब्रॉयलर। तो अगर आपके ओवन के नॉब पर ब्रॉयलर लिखा है तो ठीक, नहीं लिखा है तो मोस्टली ऐसे क्रोकोडाइल के टीथ जैसा उसका सिंबल होता है। इससे क्या होता है, आपकी जो ओवन की ऊपर वाली रॉड होती है वो बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट होती है। तो अगर आपको कुछ चीज़ें ऊपर से थोड़ी सी क्रिस्प करनी है, और जैसे फॉर एग्जांपल आपने लज़ानिया रख लिया या फिर पिज़्ज़ा रख लिया, एंड टूवर्ड्स दी एंड आखिरी की तरफ आप चाहते हैं कि ऊपर थोड़ा सा कैरमलाइज हो जाए, थोड़ा सा बर्न हो जाए, तो आप ब्रॉयलर का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। टोस्ट बनाने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको कुछ पकाना नहीं है एज सच, चीज़ मेल्ट करना है, थोड़ी सी ब्राउनिंग चाहिए, तो आप ब्रॉयलर का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज माइक्रोवेव?
अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ माइक्रोवेव की, कन्वेक्शन की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो माइक्रोवेव जो ओवन्स होते हैं, ये ओवन माइक्रोवेव जनरेट करते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनके अंदर एक डिवाइस होता है मैग्नेट्रॉन, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती है। एंड यहाँ पे जो गर्मी आती है, ये रॉड्स के गर्म होने से इस तरह से नहीं होती है, ये होती है माइक्रोवेव्स। और इसीलिए जो ओटीजी होता है और जो माइक्रोवेव होता है, इनका खाना गर्म करने का तरीका अलग होता है। तो जो माइक्रोवेव्स होते हैं, अनलाइक ओटीजी जहाँ पर रॉड्स हीट होती है, पूरा ओवन गर्म होता है, वैसा माइक्रोवेव में नहीं होता। अगर आपने नोटिस किया हो, जब भी माइक्रोवेव में खाना गर्म करते हैं या फिर पकाते हैं, इसके बाद अगर आप माइक्रोवेव अपना बंद करेंगे और उसमें हाथ डालकर देखेंगे, तो आपको गर्म फील नहीं होगा। यही अगर आप अपने ओटीजी को 5 मिनट भी क्यों ना प्रीहीट कर दें और उसके बाद आप खोलेंगे, तो आपको एक गर्म हवा का भपका लगेगा, क्योंकि जो ओवन है, ओटीजी है, ये वाला ओवन रॉड से पूरे ओवन को गर्म करता है, क्योंकि वो उसका तरीका ही अलग है काम करने का। माइक्रोवेव्स में आप खाना पका सकते हैं, आप खाना गर्म कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें बेकिंग नहीं कर सकते, क्योंकि माइक्रोवेव में कुकिंग होती है, बेकिंग नहीं। तो अगर आप माइक्रोवेव केक की रेसिपीज फॉलो करते हैं, मैंने खुद ने डाली है द टेरेस किचन पर, तो वो अच्छी बनती है, सॉफ्ट होती है, पर आप हर टाइप का केक नहीं बना सकते। प्लस अगर आप कंपेयर करेंगे ओटीजी के बने हुए केक का टेक्सचर और माइक्रोवेव के बने हुए केक का टेक्सचर, दोनों में डिफरेंस होता है। और माइक्रोवेव में कुछ भी अगर आप केक वगैरह बना रहे हैं, आप रेसिपी फॉलो कर रहे हैं, मैंने पिज़्ज़ा की भी डाली है, बोल पिज़्ज़ा, आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि आप उसे ज़्यादा देर ना रख दें। अगर आपने किसी केक टाइप की रेसिपी को, इवन इफ ढोकला, अगर आपने ज़्यादा देर रख दिया, तो वो इतना ज़्यादा रबरी हो जाता है कि आपको वो खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वही अगर आप ओटीजी में केक को ज़रा सी भी देर ज़्यादा रख देते हैं, ज़रा सी, मैं ज़रा सी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि माइक्रोवेव में वो कुछ मिनट्स की बात होती है, तो अगर मिनट्स की ही बात करें ओटीजी में, तो आपके केक पर या आपकी कुकी पर इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये मेजर डिफरेंस है, इसीलिए कहा जाता है, मैं खुद टेरेस किचन पर बोलती हूँ, अगर आपके पास ओटीजी नहीं है या कन्वेक्शन नहीं है जिसमें ऑप्शन होता है रॉड्स वाला, तो आप कढ़ाई में बेक करें अपना केक, पर माइक्रोवेव यूज़ ना करें, अनलेस वो 1 या 2 मिनट वाली माइक्रोवेव केक की ही रेसिपी हो। नेक्स्ट है कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन एक बहुत एडवांस्ड ऑप्शन है, जिसमें आपको ओटीजी एज वेल एज माइक्रोवेव दोनों के फीचर मिलते हैं, आजकल बहुत पॉपुलर है। तो कन्वेक्शन में क्या होता है, अगर आपके पास कन्वेक्शन है, तो फिर उसमें आप झांक के देखें, आपको आपके कन्वेक्शन में ऊपर रॉड्स दिखेंगी, नीचे नहीं होंगी कन्वेक्शन में, ये एक डिफरेंस है। मतलब एटलीस्ट मैंने जितने मॉडल्स देखे हैं, उसमें कन्वेक्शन में नीचे रॉड्स नहीं होती, क्योंकि नीचे होती है आपकी ट्रे। कन्वेक्शन ओवन में आप अलग अलग ऑप्शंस में से चूज़ कर सकते हैं ऑप्शंस में से। इसका मतलब ये नहीं कि जो माइक्रोवेव में करी, राइस, ये ऑप्शंस होते हैं, वैसा मैं नहीं कह रही हूँ, मैं मोड्स की बात कर रही हूँ। तो कन्वेक्शन में आप केवल कन्वेक्शन ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, आप कॉम्बी सेलेक्ट कर सकते हैं, और आप सिर्फ माइक्रोवेव का कर सकते हैं। तीनों में डिफरेंस क्या है, माइक्रोवेव पे जब आप आएंगे, तो आप जैसा आपका स्टैंड अलोन माइक्रोवेव ओवन होता है, आपका कन्वेक्शन ओवन एज माइक्रोवेव एक्ट करेगा, यानी उसमें जो मैग्नेट्रॉन है, उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएंगी और वो आपके खाने को पकाएंगी। एंड उसके बाद अगर आप केवल कन्वेक्शन मोड सेलेक्ट करेंगे, तो आप आ जाएंगे ओटीजी वाले मोड पर, जबकि आपकी जो रॉड्स हैं, रॉड है, वो ऑन होगी और आप ट्रेडिशनल बेकिंग की तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कन्वेक्शन ओवन में अगर आप ज़्यादा बेकिंग करते हैं और आप बेकर हैं, आप होम बेकर हैं, तो आप वो कन्वेक्शन रॉड का मिस होना बॉटम पे थोड़ा सा मिस करेंगे। ग्रिल मोड पे भी आपकी सिर्फ हीट रॉड ही होगी, और जो कॉम्बी मोड होता है उसमें दोनों होता है। कन्वेक्शन ओवन में अगर आप कुछ बेक कर रहे हैं और आपको आपका जो खाना है वो ज़्यादा रॉड के करीब चाहिए, क्योंकि रॉड होती है ऊपर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हाइट बढ़ाने के लिए आपके कन्वेक्शन ओवन के साथ एक स्टैंड मिला होगा आपको, उस पर आपको अपनी डिश को रखना होगा। लेकिन यही चीज़ अगर आपको ओटीजी में करते हैं, तो छोटा ही ओवन क्यों ना हो, छोटा ही ओटीजी क्यों ना हो, आपको एक ट्रे मिलती है, ट्रे पूरी लेफ्ट टू राइट आपके ओवन का पूरा एरिया कवर करती है। तो मैं पर्सनली बेकिंग के लिए ओटीजी प्रेफर करती हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ों की वजह से, क्योंकि रॉड्स ऊपर नीचे होती है, रॉड्स के कंट्रोलिंग का ज़्यादा ऑप्शन है, और साथ ही में ट्रेज होती हैं जिससे हम हमारे इन्ग्रीडियंट्स का, हमारी जो डिश है जो जा रही है ओवन में, उसे कितने हाइट पर या कितने नीचे रखना है, ये ज़्यादा बेटर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं।
जैसे ओटीजी में प्रीहीट करना पड़ता है, आपको कन्वेक्शन अवन में अगर आप माइक्रोवेव मोड यूज कर रहे हैं या फिर आप केवल अपना माइक्रोवेव यूज कर रहे हैं तो आपको प्रीहीट नहीं करना पड़ता है। लेकिन ओटीजी में प्रीहीट के अलावा आपका काम होगा नहीं। ओटीजी में स्लो कुकिंग होती है। ओटीजी में आप बचा हुआ रात का खाना, बची हुई रात की सब्जी, ये चीज़ें गर्म नहीं कर सकते, या फिर रादर प्रेफर्ड नहीं है, क्योंकि आपकी रोटी गर्म और नरम होने से पहले ही पापड़ हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपको समझनी है कि ओटीजी जो है स्लो बेक करता है, गर्मी से बेक करता है, और माइक्रोवेव जो है वो एकदम वेव्स एकदम तुरंत आती है, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और आपका खाना तुरंत गर्म हो जाता है, ना कि वो स्लोली स्लोली बेक होता है, क्रिस्प होता है, ऐसा नहीं होता। हीट रेजिस्टेंट एंड माइक्रोवेव सेफ सिरेमिक डिश को आप माइक्रोवेव, कन्वेक्शन, कॉम्बी सब मोड्स पर यूज कर सकते हैं। एल्यूमिनियम मोल्ड्स, मेटल मोल्ड्स, इन सब मेटल की चीज़ों को आप सिर्फ कन्वेक्शन मोड पर यूज कर सकते हैं, माइक्रोवेव पर नहीं। ये प्लेट है जो कि सिरेमिक टाइप की है, बोन चाइना भी नहीं है, बट सिमिलर मटेरियल है। ये माइक्रोवेव सेफ है तो कन्वेक्शन में यूज नहीं हो सकती। ये है टिफिन जो कि माइक्रोवेव एंड ओटीजी सेफ है तो सब में चलेगा। ये प्लास्टिक का कंटेनर है जो कि माइक्रोवेव सेफ है तो ये ओटीजी कन्वेक्शन किसी भी चीज़ में नहीं चलेगा। अब देखते हैं फॉइल्स पेपर्स। ये पार्चमेंट पेपर है, इसे आप माइक्रोवेव कन्वेक्शन दोनों मोड्स पर यूज़ कर सकते हैं, कॉम्बी पर भी। प्लास्टिक रैप को आप सिर्फ और सिर्फ माइक्रोवेव मोड पर ही यूज़ कर सकते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल को आप सिर्फ कन्वेक्शन मोड पर ही यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोवेव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं ओटीजी के लिए यूटेंसिल्स। तो ओटीजी वाले सेम है कन्वेक्शन वाले, तो माइक्रोवेव एंड हीट सेफ बेकिंग डिश चल जाएगी, एल्यूमिनियम या फिर मेटल के टिन्स चल जाएंगे। ये पिज्जा प्लेट है तो मेटल ओटीजी में आप रख सकते हैं। देन ये जो मैंने प्लेट ली थी इस पे माइक्रोवेव सेफ केवल लिखा है, ऐसी प्लेट्स अगर आपके पास है तो ओटीजी या फिर कन्वेक्शन में यूज ना करें। और ये कंटेनर, ये ओटीजी में भी यूज हो सकता है तो कन्वेक्शन में भी हो सकता है, माइक्रोवेव में सब में। प्लास्टिक कंटेनर अ बिग नो इन ओटीजी या फिर कन्वेक्शन के कन्वेक्शन मोड पर। पार्चमेंट पेपर को आप आराम से ओटीजी में यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक रैप को बिल्कुल भी यूज ना करें ओटीजी में, कुल मिला के कोई प्लास्टिक नहीं चाहिए। एल्यूमिनियम फॉइल को आप आसानी से ओटीजी में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साइजेस की, यानी इन ओवंस के क्या क्या साइजेस आते हैं। तो जो माइक्रोवेव है, कन्वेक्शन है, ओटीजी है, इन सब में काफ़ी अलग अलग साइजेस अवेलेबल है। ओटीजी में स्मॉलेस्ट साइज आई थिंक 9 या 10 लीटर्स का होता है, एंड बड़े साइजेस में काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, ब्रांड के अकॉर्डिंग थोड़े से नंबर यहाँ वहाँ वेरी भी हो जाते हैं। तो आपकी फैमिली का साइज़ क्या है उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। अगर आपके फैमिली में 4 से 6 मेंबर्स हैं और आप ज़रा फ्रीक्वेंटली बेकिंग करते हैं, या फिर एक टाइम पे आपको 2 केक्स बेक करने हैं, 2 ट्रेज लगानी है और आपको रोटिसरी भी चाहिए, तो आप 28 लीटर के अराउंड का ओवन ओटीजी ले सकते हैं। अगर आपको बिल्ट इन ओवन्स लगाने हैं, अगर आपको आपके फर्नीचर में फिट किए हुए बिल्ट इन ओवन्स चाहिए, तो आप उसमें भी जो साइजेस है एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारे घर में जो ओटीजी है जो हमारे फर्नीचर में लगा हुआ है वो है 80 लीटर का। 80 लीटर बहुत बड़ी साइज है, इसकी एक्चुअली फैमिली के हिसाब से इतनी ज़रूरत नहीं होती है, पर हमने लिया क्योंकि हमें एक बेटर ऑफर में भी मिल रहा था, फिर टेरेस किचन को कंसिडर करके और जिस हिसाब से मैं बेकिंग करती हूँ, इन सब चीज़ों को कंसिडर करके हमने 80 लीटर का ओवन लिया है। उस ओटीजी के ऊपर हमारा कन्वेक्शन है, वो छोटा है, वो 25 लीटर्स का है। अब बात करते हैं प्राइस की, यानी कीमत की। तो हम पहले काउंटर टॉप ओवन्स की बात करते हैं। तो माइक्रोवेव और जो ओटीजी है, यानी सिर्फ माइक्रोवेव एंड ओटीजी, इनकी प्राइस लगभग आसपास ही है, यानी इनकी प्राइसेस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं आपको कुछ अच्छे ओवन्स की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तीनों कैटेगरीज के, और अगर बिल्ट इन मुझे ऑनलाइन दिखते हैं तो मैं वो भी दे दूंगी जो हमारे घर में लगे हुए हैं। तो माइक्रोवेव एंड ओटीजी इतने एक्सपेंसिव नहीं है और इनकी प्राइसेस तकरीबन आसपास है। लेकिन अगर आप कन्वेक्शन की तरफ जाएंगे तो कन्वेक्शन ओवन ओटीजी ओवन के मुकाबले महंगे होते हैं। यहाँ मैं कंपैरिजन कर रही हूँ सेम साइजेस में, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बड़े ओवन को बोल रही हूँ कन्वेक्शन में कि वो महंगा होता है और यहाँ पर मैं छोटा ओवन कंसिडर कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। सिमिलर साइज रेंज में अगर हम बात करें तो माइक्रोवेव एंड ओटीजी आसपास की प्राइस वाले हैं, एंड कन्वेक्शन ओवन जो होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं। अब काउंटर टॉप ओवन्स के कंपैरिजन में ओवरऑल जो बिल्ट इन ओवन्स होते हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं।
अब बात करते हैं हेल्थ फैक्टर की। ओटीजी, माइक्रोवेव एंड कन्वेक्शन, इन तीनों में से हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा बेटर है? वेल, माइक्रोवेव और जो कन्वेक्शन का माइक्रोवेव मोड है, इन दोनों में यूज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो खाने को एकदम तेज गर्मी से गर्म करती है और ये इतनी हेल्दी नहीं होती है। मतलब आप खाना ना पकाएं अपने माइक्रोवेव में, आप रीहीट कर सकते हैं चीज़ें, पर उन्हें भी आप 2 मिनट से ज़्यादा तक के लिए हीट ना करें। उसके बाद अगर आप करते हैं तो फूड इतना अच्छा नहीं होता है, मतलब उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम हो जाती है। ऑन दी अदर हैंड जो ओटीजी है या फिर कन्वेक्शन का जो कन्वेक्शन मोड है, ग्रिल मोड है, इसमें हीट होती है रॉड्स, जो हमारे पुराने ज़माने के जो हीटर्स होते थे ना, कॉयल वाले, बस समझ लीजिए आप डायरेक्टली उसमें भुट्टा सेक रहे हैं या डायरेक्टली उस पर रोटी बना रहे हैं, इसी टाइप का है। तो मेरे हिसाब से हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आप ज़्यादा ओटीजी का यूज़ करें, माइक्रोवेव का इस्तेमाल कम से कम करें। वैसे इंडियंस इतना माइक्रोवेव का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, हम लोग नॉर्मली बची हुई सब्जियां भी गैस पर गरम करते हैं, बट कभी कभार कुछ चीज़ें माइक्रोवेव में भी गरम करनी होती है। अब बात करते हैं ओवन्स के वेट की, यानी वजन की। तो जो माइक्रोवेव और कन्वेक्शन ओवन होते हैं, इनमें जो मैग्नेट्रॉन यूनिट होता है, उस वजह से इन ओवन्स का जो वज़न है ये ज़्यादा होता है। और वही अगर आप ओटीजी, उसी साइज़ का अगर आप ओटीजी उठाएंगे, तो आप अकेले बहुत आसानी से उस ओटीजी को उठा सकते हैं, क्योंकि जो ओटीजी होता है उसका मैकेनिज्म बहुत सिंपल होता है, उसमें होती है सिर्फ हीटिंग कॉइल्स, उसमें ऐसा सब कुछ नहीं होता है। तो वेट वाइज माइक्रोवेव एंड कन्वेक्शन हैवी होंगे और जो आपका ओटीजी है वो हल्का होगा। अब नेक्स्ट जो सवाल आता है वो ये कि मैं माइक्रोवेव खरीदूं, मैं कन्वेक्शन खरीदूं या फिर मैं ओटीजी खरीदूं। अब यहाँ पर मैं आपको अपनी पर्सनल राय देती हूँ। अगेन, जैसा मैंने आपको तीनों ओवन्स के बारे में बताया, आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपकी ज़रूरत क्या है, पर मैं थोड़ी सी आपको यहाँ पर हेल्प करूँगी। अगर आपको खाना पकाने के लिए चाहिए, केवल पकाने के लिए या गर्म करने के लिए, तो आप माइक्रोवेव लें। और मैं पर्सनली जानती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडियंस हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ कुकिंग के लिए तो माइक्रोवेव खरीदेंगे नहीं, क्योंकि हम जो हमारी ट्रेडिशनल कुकिंग है, कढ़ाई, तवा, ये सब लेकर गैस पर करना यही प्रेफर करते हैं। मोस्टली इंडियंस चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है, कि हम बेक करें, केक वेक बनाएं, इस चीज़ के लिए ओवन चाहिए। तो इस केस में आप ओटीजी खरीद सकते हैं या फिर कन्वेक्शन, अगर आपको कभी खाना गर्म भी करना है और साथ में आपको चाहिए कि आपका केक भी बेक हो जाए, तो आप कन्वेक्शन ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ माइक्रोवेव शायद उतना सही ऑप्शन नहीं है अगर आप बेकिंग भी करना चाहते हैं। नॉर्मली माइक्रोवेव्स ऑफिस में होते हैं, मेरे ऑफिस में भी था, जो कैफेटेरियाज होते हैं वहाँ पर खाना गर्म करने के लिए रखे होते हैं, खाना गर्म करने या पकाने के लिए माइक्रोवेव अच्छे हैं। ओटीजी कब लें, ओटीजी खरीदे या कन्वेक्शन खरीदे? मैं पर्सनली बेकिंग के लिए प्रेफर करती हूँ ओटीजी। अगर आप फ्रीक्वेंटली बेकिंग करते हैं, आपको अपनी बेकिंग में ज़्यादा प्रिसिशन चाहिए, ज़्यादा कंट्रोल चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ओटीजी खरीदें अपने बेकिंग पर्पस के लिए, क्योंकि ओटीजी में ज़्यादा बेटर ऑप्शंस है, रॉड्स है, फ़ैन है, ज़्यादा कंट्रोल है, एंड ओटीजी में इस तरह की चीज़ें ज़्यादा बेटर बनती है। मेरे पास कन्वेक्शन भी है, मेरे पास ओटीजी भी है। वेल, हमारा चैनल भी है द टेरेस किचन, तो टेरेस किचन के होने की वजह से भी हमने ये दो लिया, अदरवाइज एक ओटीजी और एक ओनली माइक्रोवेव से भी काम हो सकता था। अगर आप वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा और सुना होगा, क्योंकि जितना मुझे पता है उसमें से ज़्यादा जानकारी मैंने देने की कोशिश की है। एंड जो क्वेश्चंस मुझे द टेरेस किचन पर भी आते थे और होम एंड मचमोर पर भी आए हैं, उन सब के जवाब मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो और आपको सही मायने में ये लगा हो कि इससे आपको जो जानकारी मिली है उससे आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं, और अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको अब समझ में आ रहा है कि कौन सा ओवन मैं खरीदूँ, कौन सा नहीं खरीदूँ, तो पक्का इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।